झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी फिर से रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। महुआ मांझी ने कहा कि पार्टी ने मौका दिया तो वे भरोसा पर खरा उतरेंगी। महुआ मांझी से खास बातचीत के हमारे संवाददाता नौशाद कादरी ने। चुनाव की बिगुल फिक चुकी है और ऐसे में सारे नेता अपने अपने कामों में लग गए हैं। रांची की बात करें तो रांची में जेएमएम की जो पूर्व प्रत्याशी हैं महुआ मांझी, पूरा माहौल गर्म है। आप एग्जीबिशन में हैं, क्या माहौल कुछ वैसा है? मैं एग्जीबिशन में आई हूँ उद्घाटन करने, क्योंकि ये हमारी नाम बताइए, हनी मीठा जी यहाँ पर सीजन टू है उनके, एक एग्जीबिशन की है महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए। इसमें देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स है। दीपावली के पहले इस तरह के स्टॉल्स से महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है, अपने हाथ से चीज़ों को बनाती हैं, अपने घर से निकल के बाहर आती हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अभी तो कई नेताओं के होश उड़े हुए हैं चेहरे के, चुनावी माहौल है, आप एकदम कूल दिख रही हैं, क्या बात है? साल भर जो पढ़ाई करता है वो स्टूडेंट एग्जाम के समय में डरता नहीं तो हम लोग साल भर पढ़ाई करने वाले लोग हैं। अभी चर्चा है कि फिर से आप तैयारी कर रही हैं रांची के लिए, अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित रूप से लड़ूंगी। मैम, अभी मैया योजना सबसे हिट है अभी आपके गवर्नमेंट में, कितना बड़ा तुर्क का वो पत्ता सा होगा इस बार महिलाओं के लिए? और फिर 2500 अभी हुआ है अभी, तो कितना बड़ा गैप? ये इस तरह की योजना माननीय हेमंत सोरेन जी ने इसलिए किया है क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में आपको पता होगा कि महिलाओं को छोटे छोटे पैसों का लालच देकर नौकरी के नाम पर जो तस्कर होते थे वो दूसरे राज्य में ले जाके बेच देते थे या उनका शोषण करते थे। और उस समय पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर है, उस समय जो वो करीब 15,000 लड़कियों की उन्होंने तस्करी की थी। और दिल्ली में फिर वहाँ गुमला सिमडेगा खूंटी में कितने प्लेसमेंट एजेंसियाँ खुल गई थी लड़कियों को लेकर वहाँ बाहर देने के लिए, आसाम पंजाब हरियाणा दिल्ली। तो इन सबको रोकने के लिए बहुत जरूरी था कि उनको थोड़ा सा आर्थिक मदद दिया जाए और उनके लिए सरकार सब्सिडी रेट पर लोन दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, उनके लिए कुटीर उद्योग खोलने का सारा प्लेटफॉर्म दे रही है, इसके अलावा दूसरे रोजगार दे रही है। तो ये सब नहीं करने से फिर वही भाजपा के कार्यकाल में जिस तरह से था मानव तस्करी की समस्या थी वो यहाँ पर नहीं खत्म होती। इसलिए इस तरह से बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है यहाँ की महिलाओं को आत्मसम्मान पूर्वक को बचाने के लिए और अपने यहाँ रह के रोजगार से जोड़ने के लिए। अब क्या इस बार महुआ मांझी अगर रांची से चुनाव लड़ती हैं तो कितना बड़ा टक्कर की कांटे की टक्कर होगी? पिछले बार भी नहीं, आपने काफी टक्कर दी थी उस समय सीपी सिंह से, काफी क्लोज फाइट हुआ था इस बार, और इस बार कैंडिडेट भी सुने चेंज होने की बात है बीजेपी की ओर से। देखिए, मैं तो पार्टी की सिपाही हूँ, पार्टी की तरफ से अगर चुनाव लड़ूंगी तो जनता निश्चित रूप से मुझे चुनेगी, उनको भरोसा है हमारी पार्टी पे, हम सब पर, तो मैं उनके लिए काम करूंगी, इतना आश्वासन दे सकती हूँ क्योंकि मैं सालों भर काम करती हूँ क्षेत्र में। और माननीय हेमंत सोरेन जी लगातार जनता के बीच रहकर जिस तरह से पार्टी के तमाम लोग काम कर रहे हैं उससे जनता का भरोसा जीते हैं, हमारी पार्टी ने जीता है, हम सब ने जीता है, तो निश्चित रूप से ये इस बार हम चुनाव जीतेंगे अगर पार्टी टिकट देगी तो। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सांसद महुआ मांझी और जेएमएम के वरिष्ठ नेत्री थी जिन्होंने साफ ये दावा किया है कि इस बार रांची से नहीं पूरे झारखंड में जेएमएम का फिर से परचम लहराएगा। आपने सुनी थी संजय के साथ नौशाद, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।